हमारा पहला मोमेंट है शोल्डर प्रेस, तो हम प्रेस लगा रहे शोल्डर के लिए, आप देख सकते हैं। तो शोल्डर प्रेस लगाते हुए ये ध्यान दें, प्रोग्रेसिव जाएं, आपके शोल्डर पे एक्ट डाउन होना चाहिए और उसे पुश आउट करें शोल्डर की मदद से, याद रखें, और धीरे धीरे करने की कोशिश करें। ये माइंड मसल कनेक्शन बनाना तो कभी ना भूलें, कि अगर माइंड मसल कनेक्शन सही बनेगा तो सही तरह से और सही मसल ग्रुप से एक्ट अप होगा, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। देन हम रियर डेल्स को अपना डेवलप करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जब हम अपने आर्म से पीछे की ओर होल्ड आउट करते हैं तो हमारा रियर डेल्ट पे एक्ट अप होता है। तो याद रखें कि जब ये एक्सरसाइज को आप करें तो होल्ड आउट करें, पीछे रियर डेल्ट पे पढ़ने दें, फिर धीरे धीरे आगे, फिर बैकवर्ड की ओर लाएं, फिर होल्ड आउट करें कुछ सेकंड्स के लिए, धीरे धीरे फिर देन आउट। कोशिश करें कि पीछे होल्ड आउट करें, ठीक है, एक सर्टेन वेट लेके। मैं 25 ले आऊं, मैं उसे प्रोग्रेसिव बढ़ाता हूं, तो आप उसी हिसाब से सही से करें। देन हम शोल्डर के ऊपर जो मसल्स रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम सब ट्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए बेसिकली आपको दो डंबल्स लगेंगे, उसको लेने के बाद आपको अपने चिन अप्स जो है ना, जस्ट शोल्डर को अपसाइड अप करना है, देन होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर धीरे धीरे नीचे, देन होल्ड आउट, देन धीरे धीरे नीचे। ये बेसिकली 35 kg है टोटल मेरे हाथ में, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा रिएक्शन कैसा है चढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव जाएंगे तो आपको रिएक्शन जरूर दिखेगा, तो प्रोग्रेसिव जाने की कोशिश करें, याद रखें।